नुबीर शाह हमारे साथ हैं जो गोवा टूर्नामेंट में बेस्ट इंडियन रहे हैं यहाँ पर और नौवां स्थान हासिल किया है नुबीर आपने, तो कैसा लग रहा है नुबीर? अच्छा लग रहा है, टूर्नामेंट का स्टार्ट बढ़िया हुआ था, 3-on-3 हुआ था, बीच में थोड़े हिकअप्स आए, कुछ लॉसेस हुए, बट देन लास्ट में 3-4 विंस से कमबैक अच्छा रहा और लास्ट के दो गेम जीएम को हराया, तो दैट वाज नाइस। नुबीर, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि अभी आप पिछले 2 साल से करीब करीब ग्रैंड मास्टर बनने के लिए कोशिश कर रहे हैं, आप एक ग्रैंड मास्टर नॉम ले चुके हो और 2 की और ज़रूरत है, तो इस समय कितना आपको मतलब किस तरह से आप तैयारी करते हो, क्या सोच के साथ आप टूर्नामेंट्स में जाते हो? पहले तो लाइक पिछले 3-4 साल से या 6 साल से मतलब से मैं इंजीनियरिंग में था, तो चेस के इतना वक्त दे नहीं पा रहा था, पूरा स्टडीज था, टूर्नामेंट के वक्त प्रैक्टिस करता था, तो थोड़ा नॉर्म्स रह गए मेरे, सो अभी मैं फुल टाइम, अभी थोड़ा ब्रेक ले रहा हूँ स्टडीज से, तो मैं फुल टाइम चेस करूँगा और जल्द से जल्द करने की कोशिश करूँगा। आप लगभग, आपको मेरे ख्याल से 7 साल के थे तब से आप शतरंज खेल रहे हो, है ना, और अब आप जो है आपकी उम्र जो है 21 साल हो गए आप, तो इस दौरान आप भारत की शतरंज में कितना बदलाव देखते हो और घर से क्या कोई प्रेशर रहता है कि जल्दी जीएम बनो या कुछ ऐसा कि आज़ादी है कि नहीं कोई बात नहीं? 2005 से लेके भी 2019 की बात करते हो, चेस में इंडिया का बहुत ग्रो हो चुका है, हम लोग मतलब 10-15 जीएम से अभी 63 जीएम्स हो गए इंडिया में, तो बहुत ग्रो कर लिया है, और भी एस सेक्रेटरी बोले कि 85 रजिस्टर्ड प्लेयर हो गए इंडिया में, चेस बस इंडिया ने बहुत चेस को बढ़ाया है, सब लोग तो मतलब रिमोट प्लेस तक चेस पहुँच रहा है, तो बहुत अच्छी बात है हमारे देश के लिए। और जहाँ तक जीएम की बात है तो घर से प्रेशर तो बस नॉर्मल खेल चल रहा है, वो एक दिन होना ही है, तो धीरे धीरे जैसे एक एक गेम लेना है, टूर्नामेंट लेना है, देखना है, कभी कभी कमबैक, कभी फेल होंगे, कभी सक्सेस मिलेगा, तो इट्स अ प्रोसेस, तो बस हमें अपना बेस्ट देते रहना है, इट्स अ प्रोसेस। ओके, तो बहुत बहुत बधाई आपको इस अच्छे प्रदर्शन के लिए। तो लाइव रेटिंग कितना पहुंच गया आपका? अभी लाइव रेटिंग 2449 हो चुका है। 2449, तो हम उम्मीद करते हैं कि जो बचे हुए 51 पॉइंट हैं वो जल्दी से आपकी झोली में आए और आप भारत के जो जल्द से जल्द अगले ग्रैंड मास्टर बने और आपके साथ हम कुछ वीडियोज़ बनाएँ और आपसे लोगों को प्रेरणा मिले, तो बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। धन्यवाद आपका।